हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू फूड ब्लॉग। सूप में जो ये सेव डाल करके मिलती है, ये किस चीज़ की बनती है, कभी आपके दिमाग में आया है? क्योंकि बेसन की तो ये नहीं होती है और ये बहुत ही अलग तरीके से बनाई जाती है। तो आज मैं इसी सेव की रेसिपी लेकर के आई हूँ। आप इसको चाय के साथ स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं और ये इतनी आसान है बनाना। आप इसको बना करके महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में और फ्रिज के बाहर भी। तो मैंने ली है ये महीन वाली सूजी और एक मेजरमेंट के साथ लेना है तो ये 2 चम्मच में ले रही हूँ सूजी। चम्मच हमारा बड़ा है, मतलब ये चमचा है, तो मैं 2 चम्मच सूजी ले रही हूँ और उसी चमचे से नाप के 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच बेसन। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें डालना है सॉल्ट और उसी चमचे से 1/2 चम्मच तेल हमें डालना है। आप घी का इस्तेमाल या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 2 चुटकी हमें डालने हैं सोडा, ताकि ये कड़ा ना बने, कुरकुरा बने और काफ़ी क्रिस्पी हो, जिससे जब भी हम इसे सूप में डालें तो ये आसानी से सॉफ्टन भी हो जाए और ऐसे खाने में सादे रूप में हमारे लिए ये कुरकुरा रहे। इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ड्राई चीज़ों को। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इनका सॉफ्ट सा डो लगाएंगे, क्योंकि हमने सूजी डाली है तो जब वो फूलेगा तो ये कड़ा हो जाएगा। रेस्ट के लिए 5 मिनट के रखेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये वाली मशीन हमें लेनी है सेव बनाने वाली। ये मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो इसकी जिस प्लेट में हम मुझे बनाना है, थोड़ा मोटा वाला मैंने लिया है झारा। और उसके बाद हम इसमें ऑयल लगा लेंगे अंदर हर तरफ से, ताकि जो हमारा मटेरियल जब हम इसमें डालेंगे सूजी वगैरह तो वो उसमें चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए। अभी 5 मिनट हो चुका है तो ये जो सूजी हमने सान के रखी थी, आटा मतलब जो डो लगाया था, वो थोड़ा कड़ा हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हम मसल लेंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्टन हो जाए और उसके बाद इसका हम अच्छे से रोल तैयार कर लेंगे, एक गोल सा, जैसा हमें कि जो हमारी मशीन है उसमें डालने के लिए प्रॉपर शेप में आ जाए और आसानी से हम उसमें डाल सकें। तो इसको थोड़ा चिकना भी कर लेंगे और उस रोल में हम डाल देंगे मशीन में और थोड़ा इसको प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए। और उसके बाद इस मशीन को हमें अच्छे से लॉक कर देना है। तेल मैंने गरम करने के लिए पहले से ही चढ़ा दिया है तो तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसी तेल में इस मशीन को गोल गोल घुमाते हुए हम निकाल लेंगे। तो थोड़ा मेरा जो डो है ना वो टाइट है, तो थोड़ा इसमें मेहनत लग रही है। अगर आप थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे तो आसानी से बनेगा, लेकिन इस रेसिपी के लिए हमें बिल्कुल टाइट डो ही चाहिए था तो इसको थोड़ा सा मेहनत लग रही थी करने के लिए। बाकी बेसन वगैरह का या कुछ और दाल वगैरह का आप बनाएंगे तो वो आसानी से निकल आता है। इसमें आप नूडल्स भी बना सकते हैं, चकली भी बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपी इस मशीन से आप बना सकते हैं स्नैक्स वाली। और जो एक मोटा वाला स्पेस है जो दिया हुआ है इसमें प्लेट, उसके साथ आप जलेबी भी बना सकते हैं। फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखना है और इसको उलट पलट के सेक लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सेकने में, 1 मिनट में ही ये अच्छे से सिक जाती है। उसके बाद इसे हमें निकाल लेना है और बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन कलर आए और इसे हमें निकाल लेना है। आप चाहें तो थोड़े वाइट वाइट में भी निकाल सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट रह जाने के चांसेस रहते हैं। और पहली बार तो मैंने एक ही बार में सारा गोल गोल घुमा के बना लिया था, दोबारा मैंने थोड़ा इसको कट कर दिया, मतलब थोड़ा सा घुमा के फिर कट कर दिया, ताकि वो एक बढ़िया सा लच्छा बन करके नहीं निकलेगा, ये टूटा टूटा हुआ सा बन करके निकलेगा। और दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ईजी है, आसानी से बन जाता है। और बनने के बाद आप इसको मतलब अगर सर्व करना चाहते हैं तुरंत तो तुरंत सर्व करिए, नहीं तो आप इसमें थोड़ा मसाला वगैरह चाट मसाला मिक्स करके रख सकते हैं स्नैक्स की तरह, नमकीन के रूप में भी आप इसको खा सकते हैं। अब जब सेव बनाइए तो साथ में बना लेते हैं थोड़ा सूप, ताकि इसको सर्व करके टेस्टिंग भी हो जाएगी कि कैसा बना है। तो मैंने ये रेडीमेड वाला नॉर का सूप ले लिया है, 10 रुपये पाउच वाला, 2 पाउच लिया है मैंने। एक पाउच में सिर्फ 1 सर्विंग ही बनती है 10 रुपीज़ वाले में, और इसमें जो भी मात्रा पड़ी होती है वो सारी बराबर मात्रा में होती है, मतलब कुछ कम ज़्यादा नहीं होता, तो परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट टेस्चर आता है इसको बनाने से। और इसके लिए हमें सिर्फ इसको एक बॉल में अलग से ले लेना है और इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेना है। बाकी पानी हमने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, जब वो खौल जाएगा तो उसमें हम इसको मिक्स कर देंगे। खौलते हुए पानी में इसे हमें डाल के लगातार चलाना है, डालने के बाद हमें रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे।
और इस सूप को बनाने के लिए पानी एक पैकेट के लिए जो हमने 10 रुपए का लिया था लगभग 100 ml चाहिए, तो ये 200 ml पानी हमने बॉयल करके और उसमें 50 ml पानी और ऐड किया है पाउडर को मिक्स करने के लिए, और हमारा ये थिक सूप बन कर के रेडी है, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही हम छोड़ देंगे थोड़ा अच्छे से पक जाए, और ये सेव भी हमारी ठंडी हो गई है। अब इसको हम क्रश करके छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े लंबे लंबे लच्छों में है ताकि हम इसको आसानी से कंज्यूम कर सकें, और ये बहुत कुरकुरी बनी है, आप इसको लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए अब इनको एक बॉल में ले लेते हैं जितना हमें यूज़ करना है, और बाकी का हम एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख देंगे ताकि उसको हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकें। अब गर्मा गर्म सूप को हम सर्व कर लेते हैं क्योंकि सूप हमें गर्मा गर्म ही कंज्यूम भी करना होता है। तो बस फटाफट से हमने इसको अपने बॉल में निकाल लिया है जिस बॉल में हमें पीना है, और उसमें हम डालेंगे अपना ये जो हमने सेव बनाया है, नमकीन सेव जो भी आप इसको बोले, और थिकनेस इसकी आप देख रहे हैं एकदम परफेक्ट आई है। साथ में ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा नमकीन सेव भी। अब चलिए रेडी है हमारा सूप सर्विंग के लिए। कैसी लगी आपको हमारी ये नमकीन सेव की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार बना के इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खाते पीते रहिए, इन्जॉय करिए, बाय बाय।